रविंद्रनाथ टैगोर भारत के विश्व प्रसिद्ध कवि, साहित्यकार, दार्शनिक और भारत की गुलामी के समय में भी एशिया के पहले नोबल पुरस्कार विजेता थे। उनका जन्म 7 मई 1861 को हुआ था, यानी आज के दिन हुआ था। मैं हमेशा से चाहती हूँ कि हमारे बच्चे हमारे सच्चे महापुरुषों के विषय में जानें, उनसे जीवन की प्रेरणा पाए। आइए आज उसी कड़ी में उन्हीं का एक प्रेरक प्रसंग सुनाना चाहती हूँ। रविंद्रनाथ जी, जिन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता था, उन्होंने अपने जीवन में ढेर सारी कविताएं, कहानियाँ लिखी। वे अक्सर दिव्यता, दैवीयता, अस्तित्व, कुदरत, सौंदर्य और भक्ति के विषय में लिखा करते थे। बताते हैं उनके पास एक बुजुर्ग व्यक्ति रहा करते थे। वो खुद एक सिद्ध व्यक्ति थे, कहीं दूर के उनके रिश्ते में भी लगते थे। जब भी टैगोर कहीं भाषण देने जाते, वे बुजुर्ग सज्जन भी वहां पहुंच जाते। जब रविंद्रनाथ की उनसे नजरें मिलती तो वे असहज हो जाते। वापस लौटते समय रास्ते में वे टैगोर से सवाल करते, तुम इतने सत्य के बारे में बात करते हो, लेकिन क्या तुम सच में सत्य को जानते हो? टैगोर फिर असहज हो जाते, क्योंकि वास्तव में जिस प्रकृति की वे बात किया करते, वैसा उन्होंने कभी देखा ही नहीं था। हालांकि धीरे धीरे उनके भीतर भी इसे लेकर एक खोज जारी हो चुकी थी कि आखिर वो क्या है जिसके बारे में मैं बात तो करता हूँ लेकिन उसे जानता नहीं हूँ। एक दिन बारिश हुई। टैगोर को हमेशा की तरह नदी के किनारे सूर्यास्त देखना बहुत अच्छा लगता था। वे उस दिन भी सूर्यास्त देखने के लिए नदी के किनारे चल पड़े। रास्ते में ढेर सारे गड्ढे थे जो पानी से भरे थे। टैगोर उन गड्ढों से बचते हुए सूखी जगह तलाशते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी उनकी नज़र रास्ते के एक पानी भरे गड्ढे पर पड़ी, जहां प्रकृति का पूरा प्रतिबिंब उस सड़क के गड्ढे में झलक रहा था। उसे देखते ही टैगोर रुक पड़े, जैसे बहुत गहरा उन्हें आज बोध हुआ हो, जैसे उनकी तुच्छ आत्मा में दिव्य परमात्मा का प्रकाश ही सदैव से दिखता हो। उसके बाद वे वहां से सीधे उस बुजुर्ग के घर चले गए। उनका दरवाजा खटखटाने लगे, दरवाजा खोला, एक नजर टैगोर को देखा उन सज्जन ने और फिर कहा, अब तुम जा सकते हो, तुम सच को जान चुके हो, इसलिए आज मेरे पास तुम्हारे लिए कोई सवाल नहीं। आज टैगोर जब घर आए तो वे भाव विवल हो रहे थे। तभी उन्होंने कलम उठाकर एक कविता लिखी। आज उसी कविता को मैं अपने शब्दों में बताने का प्रयास कर रही हूँ। लिखा था, मुझे अपना लो मेरे नाथ, मुझे अपना लो, अपना लो इस बार, अब की मत लौटो, बस जाओ उर पर अधिकार, बिन तुम्हारे बीते दिन जो फिर से नहीं मांगता उनको, मिले खाक में वे सब, जगू तुम्हारी जगमग धुती में, जीवन सतत पसार, मेरे नाथ मुझे अपना लो इस बार, क्या धुन कौन बात पर जाने, जहां तहां भटका अनजाने, घाट बाट में कितने अब वह मुख रख पास हृदय के, अपनी ओर पुकारो, मेरे नाथ मुझे अपना लो इस बार, आपसे क्या मांगू, विपत्तियों से रक्षा करो, यह मेरी प्रार्थना नहीं, मैं विपत्तियों से भयभीत ना हूं, ऐसी कृपा करो, अपने दुख से व्यथित चित्त को सांत्वना देने की भिक्षा नहीं मांगता, मैं दुख पर विजय पाऊं, ऐसी कृपा करो, यदि सहायता ना जुटे तो भी मेरा बल ना टूटे, संसार से हानि ही मिले, केवल वंचना ही पाऊं, तो भी मेरा मन उसे क्षति ना माने, मुझे पार लगाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं, मेरी तैरने की शक्ति बनी रहे, ऐसी कृपा करो, सुख भरे क्षण में नतमस्तक मैं तेरा मुख पहचान पाऊं, और दुख भरी रातों में जब सारी दुनिया मेरी वंचना करे, तब भी मैं तुमसे विमुख ना हो पाऊं,
मेरे नाथ मुझे अपना लो, अपना लो इस बार। मुझे लगता है अगर यह भाव हमारी संतानों के भीतर जागृत हो पाए तो उन्हें जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। वे जीवन में कभी किसी चीज से नहीं डरेंगे। वे हर मुसीबत का सामना हिम्मत और भगवान के विश्वास के साथ पूरी दृढ़ता से करेंगे। सच में वे भी टैगोर जी की तरह हर विपरीत परिस्थिति में उच्चतम सफलता पाएंगे।